यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। SSC CHSL 10+2 जिसे कहते हैं, उसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। SSC ने 9 मई को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है। तो आप लोग ये देखते हैं इसकी डिटेल जानकारी कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, फीस क्या है इसका, आइए देखते हैं। ये देखिए आप लोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये देखिए नोटिस, कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/5/2023 टू 8/6/2023। 9 मई 2023 से 8 जून 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। 8 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद शेड्यूल ऑफ टायर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो टायर वन का एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त 2023 में होगा, अगस्त में। और टायर टू का जो एग्ज़ाम होगा वो नोटिफाइड लेटर, वो बाद में आपको बताया जाएगा टायर फर्स्ट के बाद। फिर उसके बाद पे स्केल आइए देखते हैं। ये देखिए लोअर डिवीजनल क्लर्क जिसे कहते हैं LDC, जूनियर सेक्रेटरियर असिस्टेंट GST, पे लेवल 2 रुपीज़ 9,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी सैलरी होगी, लेवल टू की ये जॉब है। फिर उसके बाद आपकी जो लेवल सेकेंड नंबर पे जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO, पे लेवल फोर की जॉब है, 25,500 से लेकर 81,000 आपकी सैलरी होगी। एंड लेवल फाइव जो इसमें मिलेगा जिन लोगों को, वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये उनकी सैलरी होगी। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये अच्छी जॉब है। लेवल फोर की जो जॉब है, डेटा, ये अच्छी जॉब है। ये आपकी 25,500 से 81,100 रुपये की सैलरी होगी। और जो वैकेंसीज है इस बार थोड़ा सा कम है, अभी जो इनको वैकेंसीज मिली हैं डिपार्टमेंट से, टेंटेटिव वैकेंसीज, देयर आर अप्रॉक्स 1600 वैकेंसीज। तो 1600 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से मिली हैं। और उसके बाद और जो वैकेंसी होंगी, अभी आयोग कमीशन आपको कलेक्ट कर रहा है, वो वैकेंसी आप जो मिल जाएगी तो उसको आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, SSC की वेबसाइट पर जाके वैकेंसी वाले में। तो उसके बाद आप लोग नीचे देखेंगे एज लिमिट, जो इनकी एज लिमिट है आपकी एज ऑन 1 अगस्त 2023 को आप 18-27 साल का के बीच आपकी एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन वालों का जो सिस्टम है वो, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा उनके अनुसार। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहला है फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसे कहते हैं DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे C&AG CAG कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये जो डिपार्टमेंट है कैग और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें आपको जो है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपको 12th होना चाहिए, किससे, साइंस बोर्ड से, साइंस स्ट्रीम से, मैथ आपका जो है कंपल्सरी होना चाहिए। वो लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर LDC GST एंड DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर लोअर डिविजनल क्लर्क और DEO ग्रेड ए एक्सेप्ट DEOs इन डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन पैरा इतना, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसमें केवल आपको इंटर होना चाहिए, 12th होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपको 12th होना चाहिए, वो आप फॉर LDC एंड GST एंड DEO के लिए अप्लाई कर सकते ग्रेड ए। और उसके बाद फिर आप लोग द कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउ एवर दे मस्ट पॉज क्वालिफिकेशन बिफोर कट ऑफ डेट 1/8/2023। और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट में जो अपियरिंग है, लेकिन उनका अगर रिजल्ट 1 अगस्त 2023 से पहले आ गया तो वो 1 अगस्त तक अगर रिजल्ट आ गया कट ऑफ डेट 1/8/2023 तक, तो वो लोग अपना अप्लाई करें और पेपर दे सकते हैं। और जो फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फ़ी है फॉर पेएबल ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़, तो
तो आपको 100 रुपीज़ केवल फ़ी पे करनी है। और उसके बाद वूमेन कैंड एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एससी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन ईएसएम एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ पेमेंट ऑफ फ़ी। तो जो वूमेन हैं, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं और जो आपके पर्सन विद डिसेबल्ड हैं, उनके लिए फ़ीस कुछ नहीं लगनी है, उनके लिए 0 रुपये एग्जेम्प्टेड है फीस। तो ये आप लोगों ने जाना, एसएससी सीएचएसएल जैसे 10+2 कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो फॉर्म है उसके बारे में। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले, और आप लोगों ने इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान ली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।